अल्लाम और मशा अफसर पर खुश आमदीद। जब बात करेंगे इश्क इला के एपिसोड नंबर 10 के प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा किस तरह से अजलान जो है वह जब घर जाता है तो वहाँ पे जो शनाया है उसके लिए काफ़ी अच्छे खाने बनाती है और उसको जो है मनाती है और वो जो है मां जाती है और वहीं पे उसका जो है वो शुक्रिया अदा भी करती है। वहीं पे उसका जो है अपनी मां से कहती है कि शनाया भी बहुत अच्छी है लेकिन उनको जो है अजलान साहब से शादी नहीं करनी चाहिए थी। वहीं पे सुल्तान जो है वो कहता है कि नहीं वो काफ़ी अच्छी हैं और उन जैसी लड़की कोई भी नहीं है। वहीं शनाया जो है वो अजलान का शुक्रिया अदा करती है, उसे कहती है कि मैं तुम्हारे गुस्से पर नाराज़ हो रही थी लेकिन जो है तुम मेरा वक्त चाहते थे और जो है तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं जब घर नहीं होती। वहीं पर सुल्तान जो है वो नौकरी के लिए जाते हैं। वहीं पर अजलान जो है वो अपनी सारी मीटिंग जो है वो कैंसिल कर देता है क्योंकि शनाया का बर्थडे होता है, वो उसकी जो है प्रिपरेशन के लिए जाना चाहता है। वहीं सुल्तान जो है जब घर आ रहा होता है तो वहीं पे एक गाड़ी जो है उसको टक्कर मार के चली जाती है जिसकी वजह से उसको जो है ऑन द स्पॉट जो है वो बेहोश हो जाता है और उसको जो है हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वहीं जो है कवर को जब ये पता चलता है और उसका को तो वो जो है फ़ौरन से उसके पीछे जाते हैं। वहीं पे जो है शनाया जो है तैयार होती है और उसको जो है एक बर्थडे सरप्राइज़ देता है। अजलान काफ़ी खुश हो जाती है और इसी बर्थडे पार्टी में से फ़ोन आता है कवल का कि जो है सुल्तान का एक्सीडेंट हो गया है। तो वो फ़ौरन से जो है अजलान को बता के वहाँ से चली जाती है और जो है दूसरी तरफ डॉक्टर ये कहता है कि जो सुल्तान है वो मर चुका है यानी कि उसकी मौत हो जाती है और ये जो है और कोई भी नहीं बल्कि जो है पॉलिटिशियन का एक बेटा होता है जिसके जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता और वो जो है कहता है कि तुम यहाँ से अभी ही फ़ौरन चले जाओगे, यहाँ पे नहीं रहोगे। वहीं अजलान जो है काफ़ी गुस्से में होता है क्योंकि शराय जो है उसे बताए बगैर चली जाती है। मेहमान और जो है घर वाले सब उसका इंतज़ार करते हैं। वहीं शराय जो है वो जाती है रिपोर्ट करवाने लेकिन जो पुलिस ऑफिसर है वो मना कर देता है। वहीं वो अपने आला ऑफिसर को फ़ोन करता है और उससे कहता है हाँ तुमने अच्छा किया कि जो रिपोर्ट नहीं काटी। वहीं पर जो शनाया हुई सारी बात अजलान को बताती है और दूसरी तरफ जो है वो मौके पे जाती है और वहाँ जाके लोगों की वीडियोस वगैरह देखती है। और जब वो घर जाती है और जाके कहती है कमल को कि आपको मेरे साथ चलना होगा तो वो कहती है ठीक है, उसके साथ जाती है। और वहीं पे जो है वो बताते हैं उस रुबाब को कि जो है अगर आपने इस मसले को ख़त्म ना किया तो आपके लिए मसला बन सकता है। वहीं शनाया जाती है और जाके जो है वो रिपोर्ट लिखवाती है और वहीं पे वो जो है एक प्रोग्राम करती है जिसमें वो सब कुछ बताती है और जो है उसमें उस पॉलिटिशियन के बेटे का भी चेहरा दिखाया जाता है। अजलान उसे समझाता है कि तुम्हें इन सब से दूर रहना चाहिए। वहीं पे जो है अजलान कहता है ठीक है मैं जो है शनाया का शोहर हूँ और तो आप जो है FIR काट दें। और उसे कहता है कि चाहे तो मैं जितना भी ब्रॉड माइंडेड हूँ लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा कि हमारी फैमिली की जो है वो इज़्ज़त ख़राब हो। वहीं आने वाले एपिसोड में हम लोग देखेंगे जो अजलान का बाप है वो काफ़ी जो है शराय पे गुस्सा करता है और उसे कहता है कि तुम्हें जो है ये घर मेरा और यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूँगा। वो तो कहती है ठीक है आप सही कह रहे हैं। वहीं पर जो है पुलिस जाती है रुबाब के घर और वहाँ पर जाकर जो है उसके बेटे के अरेस्ट वारंट आते हैं, उसे कहती है कि आपके बेटे को हमें गिरफ्तार करना पड़ेगा। फिर वो जो है कवर के घर पहुँच जाते हैं, उसे कहते हैं कि तुम ये केस वापस ले लो। तो वो कहती है ठीक है मैं ये केस वापस ले लूँगी। शनाया जो है अजलान को कहती है कि मेरी ज़िंदगी में तुमसे इंपॉर्टेंट कोई नहीं है ये तुम भी जानते हो। वहीं इसका जो है वो जाती है शनाया के पास, उसे कहती है कि हम लोग जो है ये वापस ले लेंगे क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि लोग हमें कहें कि जो है इन्होंने पता नहीं क्या किया है और लोग क्यों आते हैं। और लेकिन लोग यही कहेंगे कि हम लोगों ने पैसे ले। आने वाले एपिसोड में देखना ये है कि मज़ीद क्या होगा, क्या जो है शनाया सुल्तान को इंसाफ दिला पाएगी या नहीं। आप भी अपनी रिकमेंड के ज़रिए ज़रूर